What's up guys, हम हैं आपके जुड़वा सुशांत और निशांत। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, इतना बड़ा नाम क्यों है मेरे को पता नहीं। मूवी का TBMAUJ हो जाएगा इसका, ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा, करण जोहर करते हैं। तो ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है और दूसरी बात, इसका गाना हम लोगों ने रिव्यू कर चुके हैं, अच्छा गाना है, आप जुड़वास टीवी में चेक कर सकते हो। तो मेरे को जैसे मैंने गाना देखा था तो मैं सोच रहा था यार, इसका जब भी ट्रेलर आएगा तो जरूर रिव्यू करूंगा। तो शाहिद कपूर और कृति सेनन है इसमें, धर्मेंद्र पाजी भी है, और क्या है क्या नहीं वो समझ में आएगा तभी जब देखेंगे, तब नहीं क्या। तो मैं ज्यादा भी है कृति सेनन, तो यार मजेदारी होगा। तो अभी पहले एक काम करते हैं, सीधा वीडियो पे आते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, ऐसे ही सजेशन देते रहो। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि जुड़वाज वर्ल्ड वाइड में हर एक मूवी का रिव्यू भी आने वाला है बैक टू बैक, बस थोड़ा सा टाइम का एक बार हम लोग सेटिंग कर ले तो सब कुछ सही हो जाएगा। हम लोग कर रहे हैं, एक सेटअप बना रहे आपके लिए, तो उसके लिए बस रुके हुए, आपको बैक टू बैक मूवी अपडेट, बहुत सारी चीजें इसमें आने वाली है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार करते रहो। तो ठीक है, सीधा आते हैं वीडियो पे और देखते हैं ट्रेलर कैसा है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। जिया रे, बड़ा लगा क्यों है यार। हाँ। चलो, सारी लैंग्वेजेस बोल लेती हो, हर तरह खाना बना लेती हो, पहली बार सिगरेट पीती हो और खांसती भी नहीं हो। तुम लड़की हो या अलादीन का चिरा? अलादीन का चिरा, मैं भी उसकी तरह सबकी विश पूरी करती हूँ, मुझे किसना भी नहीं पड़ता। तुम मजाक कर रही हो या लाइन मार रही? लाइन मार रही। I'm impressed. हमारे कोई टंटे नहीं है। टंटे मतलब? टंटे is like हिंदी स्लैंग फॉर नखरे। अच्छा, सुनो, वो हिंदी स्लैंग में वो दोनों क्या कर रहे हैं? चुंबन। अरे यार, ज्योति का अच्छा रहने वाला है। सिफ्रा, will you marry me? Is that possible? सिफ्रा versus the classic Indian family. हाय शर्मिला, ये मुझे नाम से क्यों बुला रही है? मम्मी अमेरिका से है ना? अमेरिका से? मेरी तो सब सीख जाएगी। अरे हाँ, मैं कल आ रहा हूँ इसको लेके, आप सारी बातें कर ले। अरे बाप रे, क्या बात है? अरे तो यही कर रही है। ये इस घर की न्यू मेंबर हरामी बहू, हमारी बहू चिट्टी है ना, वो अमेरिका से है ना मॉम। ये दोनों हाथों से खाना बना लेती है। वो अमेरिका से है ना, कुछ तो गड़बड़ है। अमेरिका से है ना। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मासी, मुझे आपको किसे मिलाना है? हाय, आई एम सिफ्रा। आर यू क्रेजी? ये रोबोट है। अच्छा, लगा ही मेरे को, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को सिफ्रा इसी जो मासी इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, इसकी बैटरी डेड है, टाइम लगेगा चार्ज होने में। ओके, अच्छा है। रोबोट कैसे हो सकती है यार? अरे माधुरी, नाम बोलो जी। सिफ्रा। पूरा नाम? सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन। साउथ से हो जी आप? यार नाइस। अरे शी इज डेड। ये कुछ तो कॉन्सेप्ट है नया। मेरे मन में सिफ्रा के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं, और ये जानने के बाद भी कि वो रोबोट है वो जान ही रही है। एक बात पूछूं, रोबोट होना बुरी बात है क्या? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो फिर एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 100% कॉमेडी रहेगी। हाँ, बिल्कुल। और रोबोट वाला हिसाब है तो बहुत सारी दुविधाएं रहेगी, ऑब्वियस, क्योंकि उसको बाद में पता चलता है अमेरिका से है ना। हाँ, तो ये अमेरिका वाला ऐसा बोल के बहुत सारी चीजें होने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है, कॉमेडी भी है, गाने भी अच्छे होने वाले हैं। मेरे को
ऐसा लग नहीं रहा था कि इंटरेस्टिंग होगा, मैं बोला यार चलो यार ठीक है, पर बट देखने के बाद मैं ट्रेलर देखा तो मेरे को लग रहा है कि यार इंटरेस्टिंग हो सकता है मूवी, अभी तो वो देखने के बाद ही पता चलेगा, हम लोग जरूर रिव्यू करेंगे इसका भी। बट जो मैंने ट्रेलर में जितना भी देखा है, अभी क्या है 3 मिनट में कितना मिनट का है ये, 3 मिनट, 2-3 मिनट का है, तो 2-3 मिनट में तो क्या है बेस्ट बेस्ट शॉट्स डालते हैं बिल्कुल, बट अभी जब पूरा देखेंगे तभी पता चलेगा कि सीन क्या है एक्चुअली। बट स्टोरी जो है मेरे को मजेदार लग रही है, स्टोरी मजेदार है भाई, क्योंकि क्योंकि फाइट भी दिखाया है, फिर कॉमेडी भी है, अमेरिका से है ना, तो वो सब अभी वो देखने के बाद ही पता चलेगा अच्छे से। बट जो भी है गाने सही लग रहे हैं, गाने सही लग रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि शाहिद कपूर बहुत टाइम बाद वापस अपने चॉकलेटी बॉय वाले अवतार में दिख रहा है, और बाकी सब लोगों का तो जैसे कहीं ना कहीं मेरे को ऋतिक रोशन जैसे एकदम फील आ रहा था ना शाहिद कपूर में, ऐसा है ना, मोस्ट हैंडसम मैन, वो गाना जैसा था ना वैसा, क्योंकि लुक भी वैसा ही, डांस भी अच्छे करते, डांस भी अच्छे करते, तो इसलिए वो थोड़ा फील आ रहा था। और ऋतिक रोशन का फील आना मतलब अच्छी बात है ना, क्या बात है, मजा आ गया, क्या बात है यार, मेरे को तो मजा आया। आपको क्या पसंद आया जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और बाकी गाने तो हम लोग जुड़वास टीवी में इसके डालते ही रहेंगे, क्योंकि जितना सुन रहा हो तो मेरे को मजा आ रहा है। बाकी अगर कुछ छूट गया होगा तो माफ कर देना, कुछ गलती हो गई होगी तो भी माफ कर देना, बाकी आप ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। नेक्स्ट वीडियो में जय भारत, पीस आउट।